नमस्कार एवरीवन. सो अगेन वी आर हियर विद द चैप्टर 1. एज आई टोल्ड यू, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द कंटेम्पररी वर्ल्ड में हम बहुत सारी कंट्रीज के बारे में जान रहे हैं, सुपर पावर्स के बारे में जान रहे हैं. इट्स रियली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियोस ऑफ नाटो, सीटो, सेंटो एंड यू वुड बी एबल टू फाइंड व्हाट वर द मेन फीचर्स, हु वर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर time and the operations. So in the previous class I told you that in the next class we will discuss about now. Now is the non-alignment movement. Non-alignment movement, and it became very famous because when there was era when the world was two polar, like two countries, two main superpowers were there, America and Russia. So, इन दोनों से अलाय होके जुड़ना. और बट हमने कल एक और बात भी कही कि द कंट्रीज विच वर न्यूली इंडिपेंडेंट, जैसे फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, सो देयर वाज अ डिलेमा इन द माइंड टू एसोसिएट विद विच सुपर पावर, वेदर अमेरिका और रशिया, किससे एसोसिएट हूँ. सो इट वॉज अ क्वेश्चन इन द माइंड. सो द थिंग्स वर लाइक दैट. एक तीसरी बात आई कि हम ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसका पार्ट बने, विच हैज गिवन द चॉइस टू द पीपल दैट दे नीड टू कीप देम सेपरेट फ्रॉम दीज टू ब्लॉक्स एंड दे कैन बी पार्ट ऑफ द नाउ. वो नाम तो पार्ट बन सकते हैं. अब वो कौन कौन से देखिए हम एरियाज ऑफ द ओल्ड वॉर. अब एक टॉपिक इसका ये है एरियाज ऑफ द ओल्ड वॉर. वो एरियाज कौन से एरियाज जहां कॉन्फ्लिक्ट हो तो रहे हैं बट टू द सर्टेन लिमिट. वो लिमिट क्रॉस नहीं कर, टू द सर्टेन लिमिट कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग ऑन, दैट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व. सो एरिना क्या है, वेयर क्राइसिस एंड वॉर अकर बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स. क्राइसिस हो रहा है, वॉर हो रहा है, बट वो एक लिमिट तक हो रहा है, वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर. नाम कभी तो नाम नाम क्या है, तो सबसे पहले नाम के बारे में जान सकते हैं. देखेंगे फाइव फाउंडर्स उसके जो है वो कौन थे एंड ये नाम क्या. सो चैलेंज टू बाय पोलरिटी. सो बेसिकली नाम वॉज द चैलेंज टू बाय पोलरिटी. मीन्स बाय पोलरिटी की जो बाय पोलरिटी जो सुपर पावर्स जो थी उनके लिए चैलेंज था नाम. कैसे, ऑफर न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका अ थर्ड ऑप्शन नॉट टू ज्वाइन अदर वर्ल्ड्स. इन कंट्रीज को उसने एक ऑप्शन दिया कि वो किसी अलायंस को ज्वाइन ना करके सेपरेट बने. अब इसको फाउंड करने के लिए फाइव मेन फाउंडर्स थे, पांच मेन फाउंडर्स, और उन पांच मेन फाउंडर्स के नाम में जो लोग थे, जो पर्सनैलिटीज थे, द मेन थिंग्स वर कि दे वर सोशलिस्ट एंड दे वर इन द फेवर ऑफ पीपल, दे वर इन द फेवर ऑफ वेलफेयर. दे फॉट द फ्रीडम स्ट्रगल्स इन देयर ओन कंट्री एंड दे fought for the poor, they fought for the needy ones. ऐसे लोग उस लीडर में फाइव जो फाउंडर्स थे उनके नाम देखिए हम. नंबर वन युगोस्लाविया प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो. He played a very important role. And as I told you that after this particular video, I'm going to send in the WhatsApp group the links about the particular freedom fighters and the leaders. जो prominent personalities रही उनके वीडियो लिंक्स भी आई एम गोइंग टू सेंड यू इन द पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप. सो फर्स्ट वन युगोस्लाविया प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो, द सेकंड वन जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इट वाज इनिशिएटिव ऑफ दैट. इंडिया वो कंट्री थी जो इंडिया किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में शामिल ना होकर एक अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए एफर्ट कर रही थी. हम किसी के अगेंस्ट भी नहीं थे, हम वर्ल्ड से अलग भी नहीं थे, बट वी वर द पार्ट ऑफ. सो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू. थर्ड वन इजिप्ट से गामल अब्दुल नासिर, सुकार्नो इंडोनेशिया से थे एंड कोरबा नुकराम घाना से थे. तो नुकराम जो घाना से थे अफ्रीका से, जिन्होंने वहां के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात की. इंडोनेशिया में दे वर द पार्ट ऑफ, ही वाज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एट द टाइम. इजिप्ट नासिर, ही वाज आल्सो अ वेरी गुड सोशलिस्ट लीडर एट द टाइम. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, very common leader, and Marshal Tito,
Tito, Don Tito, he was also a very important personality at the part of Yugoslavia. So later on when I'm going to send the video link, you can find more about these personalities. In ke baare mein, hume sabke baare mein alag alag detail mein pata hoga. So these were the main five founder members of NAM. Now coming to the next thing. So ye jo NAM ka jo associate hua hai, तो इसका पहला जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ वेयर वाज इट दैट फर्स्ट नॉन अलाइंस समिट इन 1961 इन बेलग्रेड. बेलग्रेड में इट वाज द फर्स्ट समिट इन 1961. सो वी कैन सी द फोर पॉइंट्स व्हाट इट वाज मेड. द फर्स्ट वन, कोऑपरेशन अमंग फाइव कंट्रीज. व्हाट दीस फाइव कंट्रीज विल डू, दे विल कीप द कोऑपरेशन अमंग देम. एक कोऑपरेशन रखेंगे. द नेक्स्ट वन, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स उसके बारे में चर्चा हो रही है. की बात कर रहे हैं हम फर्स्ट समिट की बात कर रहे हैं क्योंकि बेलग्रेड में हुआ, 1961 में हुआ. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मेनी न्यूली रिकॉग्नाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनटू इंटरनेशनल फोरम. अब इंटरनेशनल फोरम पे अफ्रीकन कंट्रीज की जो एंट्री हुई थी, उनकी जो एक्टिवनेस बढ़ी थी, उसके बारे में चर्चा हुई, डिस्कशन हुई. तो इट वॉज द फर्स्ट समिट जहां ये तीन मेन पॉइंट डिस्कस किए गए. द फर्स्ट वन वॉज फर्स्ट नॉन अलाइंस समिट इन बेलग्रेड. नंबर टू, कोऑपरेशन अमंग फाइव कंट्रीज. नंबर थ्री, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड वाइडिंग एरियाज, ड्रामेटिक एंट्री ऑफ अफ्रीका इन द इंटरनेशनल फोरम. इट वॉज डिस्कस्ड. सो एक बार अभी तक जो पढ़ा है वो रिवाइज कर रहे हैं. क्या था वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? क्या है? ऑफर न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका थर्ड ऑप्शन टू ज्वाइन अनी अदर अलायंस. कौन कौन लोग थे इसके फाउंडर मेंबर? यूगोस्लाविया प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रॉज टीटो, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैमल अब्दुल नासिर इजिप्त, सुकर्नो इंडोनेशिया, नुक्रम घाना. सो दीज ऑल were the founder members of this NAM. Then coming to the NAM, it was the first summit, 25 members attended that. पहली जो समिट हुई बेलग्रेड में जो मैं बात की, उसमें 25 members ने अटेंड किया. और अगर हम बात की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, नाउ व्हाट इज इन NAM, वी आर गोइंग टू हैव 120 members seats. अब NAM में 120 जो कंट्रीज हैं वो उसके मेंबर हैं. 17 स्टेट्स आर ऑब्जर्विंग इट, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं. एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर द पार्ट ऑफ इट. 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, 17 ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड 120 कंट्रीज आर इज द करेंट पोजिशन ऑफ नाम. अगर हम अभी की बात करते हैं, दिस इज द करंट सिचुएशन. सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट फाउंडेड बाय फाइव फाउंडर मेंबर्स. Very important at that time when the old world was divided into two blocks, and it was something else rather than isolation or nuclear. Ab isolation kya? Ab hum ye dekhenge ki naam kya nahi tha. It was not isolation. Isolation means it is apart from that. It is not isolation. Active was played by India. Isolation matlab hum akele world se alag hai. We are not considering or in any part of the things, but it's not like that. India was taking active participation. If some particular forum is organized in the particular countries, India was going there. India was giving the views on the particular topics. So isolation nahi tha. Isolation tha to alga akele rehna. So aisa nahi tha. Now coming to the next thing, that is not unity. Unity means it was not neutral thi. कोई असर नहीं हो रहा हो, कोई चीज नहीं, किसी चीज का पार्ट नहीं बन रहा हो, न्यूट्रल रहा हो, नहीं. इंडिया वॉज नॉट न्यूट्रल, बिकॉज न्यूट्रल इज द पॉलिसी व्हेन द कंट्री इज स्टेइंग अवे फ्रॉम वॉर. जब कंट्री वॉर से अलग रहती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी. पर इंडिया कभी वॉर से अलग नहीं रहा. अगर उसे जरूरत पड़ी, हमने कभी किसी को अटैक नहीं किया, बट हम अपने आप को सेल्फ डिपेंड रखते हैं. इफ वी नीड to be strong, we are going to be strong. If anybody is going to attack them, we will reply. Why we are very sorry? So, हम neutral नहीं हैं, हम isolate नहीं हैं, हम NAM के member हैं,
but we are not neutral, we are not isolated. So that is now. So it has become a very big movement and very important also. So till now what we studied, we studied the meaning of Naam, five founder countries, and the motive of Naam, what was that, that also. उसके बाद में क्या कहा गया, किस तरह से कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन की बात की गई, या कैसे कोल्ड वॉर की स्पेक्ट की बात की गई बेलग्रेड में जो फर्स्ट समिट हुआ. दैन भी स्टूडेंट के नाम के अभी छह मेंबर जो है वो 120 है, और हमने पढ़ा 120 के अलावा 17 स्टेट जो है वो ऑब्जर्वर है, और 10 इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका प्रेजेंस में है. और नाम क्या नहीं है, नाम आइसोलेशन नहीं है, नाम हम न्यूट्रल नहीं है. हम न्यूट्रलिटी कहते हैं कि वार नहीं करेंगे ना, वी नेवर से वी विल नॉट डू वॉर, इफ वी नीड वी विल डू. सो नाम इज द नेम ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी, वी आर एक्टिव बट वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ग्रुप. हम ग्रुप के पार्ट नहीं हैं, हम ग्रुप से अलग हैं, बट वी आर नॉट अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. हम उन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड में कोई एक्टिविटीज होती है, वी विल टेक इनिशिएटिव, वी विल टेक पार्ट, वी विल टेक इंटरेस्ट. So we are away from isolation, we are away from unity, we are the part of the world, but not being the part of any group. World ke activities ke part hai, but kisi group ke part nahi. So this is Naam. Koi aapse poochta hai, aap batayenge Naam ka matlab kya hota hai, what is the meaning of that, why it was made, five founder members kaun the. Don't forget to see the videos, I am going to send you on the YouTube link. In sabhi ke baare mein aap un links ko dekhiye. And your homework will be like this. आपको इन पर्सनलिटीज के बारे में दो फाउंडर्स मिली टू राइट डिटेल्स आपको करके बताने के बारे में. सो दिस वॉज द थिंग, फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ, समिट कहाँ हुआ, बेलग्रेड में हुआ, डिस्कस क्या किया गया, आपसे कॉपरेशन में किया गया, कोल्ड वॉर के बारे में किया गया, और अफ्रीका जो इंटरनेशनल फोरम पे आगे आ रहा था उसके बारे में किया गया. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू समराइज दैट, यू विल सी अब जो फर्स्ट समिट थी 25 मेंबर्स अटेंड किया, अब 120 मेंबर्स हो गए हैं, 17 ऑब्जर्वर्स से एंड 10 जो है वो इसके इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे, डू रिवाइज द टॉपिक एंड डू वॉच द वीडियोस गोइंग टू गिव द लिंक व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन द बॉक्स. इन सम पर्टिकुलर पॉइंट्स को यू नीड टू नोट डाउन इन योर नोटबुक.